आगामी बकरीद के पर्व को देखते हुए शहर कोतवाली क्षेत्र में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की गई। शहर कोतवाली क्षेत्र में चल रही यह बैठक शांति समिति की बैठक है। दरअसल आगामी त्योहारों और बकरीद के मद्देनजर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की गई। इस दौरान लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर के यदि कोई समस्या आती है तो वह इसके लिए सीधे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। ये आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं जैसे कि 22 तारीख को बकरीद का त्यौहार, उसके बाद रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, तो इन सब त्यौहारों के उपलक्ष्य में उसमें कोई अगर किसी को कोई कमी है या किसी को सजेशन देना है तो इसलिए शांति समिति की बैठक जो है आहूत की जाती है और ये एक रूटीन प्रोसीजर है। और इस शांति समिति की बैठक से हम लोगों को ये जो समस्याएँ हैं जो आम जनमानस में व्याप्त हैं या फिर त्योहारों को लेकर जो समस्याएं हैं वो उनसे हम अवगत होते हैं और उनको निराकरण कराने का समय रहते निराकरण कराने का पूरी कोशिश करते हैं। पूरी अपेक्षा है कि जनता का सहयोग मिलेगा और जनता ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखी और सुझाव भी दिए उन पर पूरा विचार किया जाएगा और उनके सुझावों का के मद्देनज़र हम जो है आने वाले त्योहारों को सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक। रूट डाइवर्जन तो बहुत ज़रूरी है। जो एक स्ट्रेच है बहुत ही सक्रिय रोड है वहाँ पर और अगर कोई फोर व्हीलर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा जाम की समस्या हो जाती है, तो इसलिए चूंकि आने वाले त्योहारों पे बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी और पैदल चलने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए उचित जगह पर बैरियर लगाकर वहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको घुसने से रोका जाएगा। प्रशासनिक रूप से हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जो भी जगह है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ का आना है वहाँ पर हम उचित फोर्स लगा रहे हैं। उचित फोर्स की मांग भी कर ली गई है और फोर्स मिल भी गया है, उनको जगह पर लगा दिया जाएगा और जहाँ भी कोई समस्या पैदा होगी तो वहाँ पर तुरंत उसको अटेंड किया जाएगा।